फतेहपुर के दतौली गांव में एक महिला को बाग में गिरे आम को उठाकर खाना बहुत महंगा पड़ा। महिला के आम खाने से गुस्साए दबंग ने महिला को लाठी डंडों से पीटकर मौत के घाट उतार दिया। मृतक के परिजनों की माने तो महिला बकरी चराने के लिए जंगल गई थी, जहां आम के बाग में आम गिरा पड़ा देख वो उसे चुनकर खाने लगी कि तभी गांव का शीलू सिंह वहां पहुंच गया और लाठी डंडों से मारने पीटने लगे, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। जंगल बकरी चराने गए थे, जैसे शाम को 6 बजे लगभग, जैसे बाग में आम के पेड़ फल टूटे हुए पड़े हुए थे, जिससे उठाया और गांव के दमंग ठाकुर शीलू सिंह ने मार मार के डंडों से गिरा दिया, जिससे घर आते ही बयान दिया कि शीलू सिंह ने हमको मारा है और मौके पे ही दम तोड़ दिया। वही मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। मैं अपनी बकरी को चरा रही थी तो सीलू है जो आरोपी है, इसके आम के पेड़ के नीचे बकरी चली गई और उसको आम वगैरह खाने लगी थी। उसी बात को लेकर के वो गुस्से में आकर के जो बकरी चरा रही थी रानी, उम्र करीब 65 साल है, उसको लाठी से मार दिया था, जिससे एक को चोट लग गई। चोट के बाद ये घर गई और घर में इन्होंने सारी चीज़ें बताई, घटना बताई और अस्पताल ले जाने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। उनका पंचायतनाम पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई है, मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले में जल्द ही जाँच के बाद दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।